गाइज अभी रात के 9 बजने वाले हैं देखो, और हमारे घर पे आया है एक इतना बड़ा बॉक्स जैसा, पता नहीं क्या है भाई, अंधेरा हो रहा है, पता नहीं चल रहा भाई क्या है, और पता नहीं किसने भेजा है, पता नहीं क्या है भाई। ये देखो भाई, यहाँ से लेके पूरा रूम की तरह है ये। पर्चा है कुछ है? पर्चा है कुछ। ये पर्चा भी है, देखो पर्चे में क्या लिखा हुआ है। लेटर है क्या ये? आप बहुत अच्छे हैं दिल के, काश मैं आपके साथ सेल्फी ले सकता। केशव कुणाल बिहार। Maybe in future for sure. Maybe in future for sure. ये क्या है भाई? ना कोई फोन नंबर, ना कोई लेटर, ना कुछ। अभी ये तो कांच है शायद अंदर से, देखो। नहीं नहीं कांच है, पर यार पकड़ इसको, पकड़ इसको, पकड़। बाथरूम जैसा कुछ लग रहा है। हैं? ये तो बाथरूम लग रहा है, देखो ना। हाँ ऐसा लग रहा है, बाथरूम जैसा कुछ लग रहा है। पता नहीं क्या है भाई, बड़ी ये सोसाइटी के अंदर आया कैसे। और ये हमारे नए वाले घर के सामने, देखो ये हमारा नया घर बन रहा है ना, यहाँ पे नए घर के सामने पता नहीं किसने रख दिया। जो काम करने वाले ना वो यही रहते हैं, उन्होंने बताया हमको कि यहाँ पे तुम्हारा कुछ आया हुआ है। मैंने कुछ आया हुआ है? हमने तो कुछ मंगाया ही नहीं। और भाई इतनी बड़ी चीज है, पता नहीं क्या है भाई। ये पूरा प्लास्टिक लगा हुआ है देखो इसमें, कुछ है। हाँ कपड़े ऐसा कुछ है इसमें, बहुत सारे। क्या है? अबे ये छोटे बच्चों वाला है, छोटे बच्चे खेलते हैं ना जिसमें, वो है ये। छोटे बच्चे खेलते हैं? हाँ क्या करें, अरे इसके अंदर वैसे भी वो है। है तो हमारे लिए, फाड़ दो। क्या है ये देख। बट भेजा किसने भाई? किसने भेजा, क्यों भेजा, क्या है ये? मत फाड़ो, मेरे चाहे मत फाड़ो, मत फाड़ो, मत फाड़ो। कौन लेके आया, कहाँ से? अरे कोई फोन नंबर वगैरह भी तो नहीं है, मेन तो लेटर पे। क्या पड़े अंदर, क्या पड़े? टॉयज पड़े हैं, टॉयज। अंदर टॉयज? डर लग रहा है, डर लग रहा है ना, मूवी वाली फील आ रही है, मूवी वाली फील। हां फील गुड़िया के अंदर, गुड़िया। हां भाई डर लग रहा है, ऊपर से अंधेरा हो रहा है, देखो। डर नहीं लग रहा आपको? नहीं, किसको लगता है डर? मम्मी पापा को बुला के लाओ, मम्मी पापा को बुला के लाओ। और अंदर भी कुछ सामान पड़ा, बच्चों का कुछ खिलौने टाइप के पड़े हुए हैं, मतलब देख के ना गूज़बम्प से आ रहे हैं, डर सा लग रहा है, पता नहीं क्या है। और रात को पता नहीं कौन रख गया यहाँ पे सोसाइटी के अंदर, पता नहीं कैसे घुस गया। एक काम करो साइड में जाओ। ये क्या है? ये देखो, पता कोई छोटी मोटी चीज होती तो खोल भी देते, इतनी बड़ी चीज है। कितना रैंडम है, सोचो एक घर है। हाँ प्लास्टिक है, हाँ हमारे घर के आगे एक घर। अबे नहीं, अब तो और भी गंदा लग रहा है कुछ। क्या 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 गंदा? इधर आओ, यहाँ से देखो, इधर आओ, यहाँ से देखो, कुछ अजीब सा ही लग रहा। अबे सोचो। क्या सोचूं, डर लग रहा है यार मुझे, सोच के भी डर लग रहा है। ये फटा रहे यार मेरी, फटा रहे, फटा रहे, आने नहीं चाहिए था। और सबसे मेन ये आया कैसे भाई यहाँ पे? ये तो ट्रक में आएगा, कोई छोटी मोटी गाड़ी भी नहीं आ सकता ये। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डर सा लग रहा है यार। अंदर कैसे आया ये? इसका डोर भी नहीं है भाई कहीं। वो है गेट, वो रहा, वो गेट ही होगा शायद। अरे खुलेगा क्या पता, अंदर खुलता हो क्या? है कमरा अपने लिए लाए हो हैं? इसमें रात को रहेंगे हो? कौन वो लोग? कौन लोग? अरे एसी वाले। सच्ची बताओ, सच्ची में कुछ भी, कुछ भी क्या? सच्ची बताओ, लेटर है उसके अंदर? बोला सच्ची बताओ यार, लेटर का है वो, सच बताओ। अरे बड़ा वो मजे ले रहे हैं। पता पता नहीं कुछ बॉक्स आया है बाहर, सुनो सही। ये क्या है? सुनो सुन सुनो, अंदर अंदर छोटे बच्चों के खिलौने पड़े हैं, छोटे बच्चों के खिलौने अंदर, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। जाओ देख, क्या देख के डर लग रहा है यार मम्मी। और ना इधर आओ, इधर आओ, मैं दिखाता हूँ। ये देखो इधर आओ, हमने देखा यहाँ पर इसके अंदर एक चिट्ठी बता रखी, जिसमें लिखा था सौरभ शाह दिल के बहुत अच्छे, मैं आपके साथ सेल्फी खींचना चाहता हूँ। ये भूत ने लिखा है, भूत ने लिखा है। चुप, इधर आओ। और यहाँ देखो, यहाँ से आप अंदर देखोगे ना, ये पूरा उसका है प्लास्टिक का, और उसके अंदर ना पूरे खिलौने खिलौने बच्चे हैं, बच्चों के। ये सोसाइटी के अंदर आया कैसे मम्मी? वही तो दिक्कत है, आया कैसे? अरे यार कोई काम वाले लाए होंगे। अरे ये हैं काम वाले लाए होंगे कोई। छोटे बच्चों का सामान कहाँ से आएगा? क्या बना रहे हो हमारे को पागल? हैं मेरे को पागल बना रहे हो क्या? डरेगी मम्मी मेरे की। एसी वाले लाए होंगे इसको। ये प्रैंक कर रहा है हमारे साथ, कोई प्रैंक नहीं है यार, सच्ची बता। गए दिन को लग रहा प्रैंक कर रहा हूँ मैं इनके साथ। यार खोलो यार इसको, खोलो इसमें, इसके अंदर पूरे खिलौने। ओ एक थैला है, एक थैले में कुछ होगा। ये थैला है देखो, है यार गेट। नहीं है गेट वो मम्मी, आने वाले बच्चे के लिए है। नहीं आपको लग रहा है ना प्रैंक कर रहा हूँ मैं? हा? आपको लग रहा है प्रैंक कर रहा हूँ? तो क्रैंक तो कर ही रहे हो। ये देखो, अरे यहाँ से खुला है, देखो यहाँ से खुला है। अब अंदर कोई जा सकता? ओरियो लिखा है शायद, है ना, ओ आर ई ओ। अरे ओरियो, ओरियो के लिए भेजा किसी ने? ओरियो के लिए भेजा यार। ये क्या है ओरियो के लिए? ओरियो खिलाने के लिए, ये खिलाने के लिए। अंदर कौन जाएगा? ये चाचा जी, चाचा जी का भी बाहर।
मैं भी चलता हूँ। ये क्या है? ये खिलौने पड़े हैं यहाँ तो, बच्चों के खिलौने। अबे ओरियो, ओरियो के लिए, ओरियो के लिए क्या? क्लासरूम। अच्छा ओरियो के लिए है शायद। पकड़ो 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 पकड़ो। ओ भाई ये क्या है? और भी गलत लग रहा है। ये भी ओरियो। लेकिन ये ओरियो है कैसा है? ये ओरियो जैसा लग क्यों नहीं रहा? ये भी ओरियो। पकड़ 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 पकड़। अबे नहीं कोई और, कोई अभी ये ओरियो नहीं है। ये ओरियो नहीं है, ये ओरियो नहीं है। ये एडिट करके, एडिट करके, एडिट करके, एडिट। ये सारा खेलने का सामान है। अरे ये भी डॉग के लिए है, ये भी डॉग के लिए है। ओरियो हाउस लिखा है ये, ओरियो हाउस। अंदर आने का कहीं से नहीं है। चारों साइड ग्लास लगा हुआ है, चारों साइड बंद है। सिर्फ इतना एरिया है तो मतलब डॉग के आने के लिए आएगी। भाई हम तो डर गए थे यार, बट ये ओरियो का हाउस है। ओ ये देखो गाइस, ओरियो हाउस। किसी ने भेजा है ओरियो का घर। भाई इतना बड़ा घर है ये, मतलब वीडियो में फिर भी छोटा लग रहा होगा। देखो भाई बड़े इसमें रहेगा ओरियो। घर के अंदर भी और ये आएगा कहाँ पे भाई? एक डॉग और चाहिए, बड़ा वाला। एक डॉग चाहिए, एक डॉग, एक डॉग, एक डॉग और। मम्मी एक डॉग इसको भी भगा दूंगी, दूसरा का नाम लोगे। एक डॉग और तो अब सुबह देखेंगे इसको। अभी यहीं पे छोड़ देते हैं, सुबह सुबह देखेंगे अच्छे से। ये देखो साइकिल, रात को साइकिल लेके आए हैं। भाई हम तो शौक में आ गए थे भाई, ये क्या है इतना बड़ा सा। तो गाइस अब हम कैमरे में चेक कर रहे हैं कि वो ओरियो का जो हाउस है वो किस टाइम पे आया और किस तरह से आया, क्योंकि हमको पता नहीं है भाई। गाइस मिल गया, ये देखो ये स्कूटी गई, स्कूटी के पीछे देखना। ये देखो भाई, ये रुक 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 रुक, ये रहा। ये देखो गाइस, ये रहा गाइस, देखो ये रहा। कितने बजे आया? कितने बजे गाड़ी दिख रही है? लोग भी दिख रहे हैं और वो पड़ा हुआ भी दिख रहा है पूरा ओरियो का घर, बट गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा। तो कल सुबह अच्छे से देखेंगे और आपको दिखाऊंगा अच्छे से। फिलहाल मैं एडिटिंग करता हूँ, काम करता हूँ। चलो अब आपसे सुबह मिलता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो फिलहाल नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद चलते हैं ओरियो का हाउस देखने के लिए कि उजाले में कैसा दिख रहा है। भाई रात को देखा था हमने। आपको अभी तक विश्वास नहीं है क्या? अरे नहीं मंगवाया मैंने, इतनी बड़ी चीज कैसे मंगवा सकता हूँ मैं? कौन भेजा है इतना बड़ा? बिहार से लिखा हुआ उसमें लेटर में, बिहार से। किसी तो पता करवाऊंगा, टेंशन मत लो। गाड़ी के नंबर से ज्यादा पता किसने भेजा है, कैसे सबसे ज्यादा पता। कैमरे सब जगह कैमरे लगे हुए हैं सोसाइटी में। और किसके लिए भिजवाया? ओरियो के लिए भिजवाया है, ओरियो हाउस लिखा तो हुआ है। मैंने तो सोचा है तूने मंगाया यार। नहीं मैंने नहीं मंगाया यार। अरे ओरियो घर क्यों मंगाऊंगा मैं? ओरियो घर क्यों मंगाऊंगा? हमारा घर बन रहा है, हमारे घर के अंदर रहता है वो। ओरियो घर क्यों मंगाऊंगा मैं? चलो पता चली जाएगा, बिकॉज चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में नंबर आ जाएगा और सब कुछ आ जाएगा। उतारते हुए वहाँ भी घर के बाहर भी कैमरे लगे हुए हैं। ब्रेकफास्ट करते हैं, कड़ी चावल हरी सब्जी और साथ में सैलेड। तो गाइस अब जा रहे हैं ओरियो के नए हाउस को देखने के लिए, दिन में कैसा लगता है वो। रात को तो हमने देखा था। ये रहा सामने बॉक्स, येलो कलर का, एकदम पोर्श की तरह लग रहा है। देखो येलो येलो, और हमने रात को अनबॉक्सिंग कर दी थी इसकी। ये देखो बॉक्स तो क्या घर ही है पूरा। देखो ये देखो बहुत ही बड़ा है यार। काफी स्पेस है। इसको रखेंगे भी कहाँ पे? और बारिश होगी, बारिश में तो खराब हो जाएगा ना ये वुड है। देखो ऊपर से और प्रॉपर बना हुआ है, प्रॉपर पेंट हुआ हुआ है सब कुछ। यहाँ देखो ये प्लास्टिक है, यहाँ भी प्लास्टिक है। प्रॉपर डिज़ाइन करवा के भेजा है। देखो ऊपर भी डिज़ाइन है, नीचे देखो ईंट भी रखी हैं। तो इसको हमको घर के अंदर रखना पड़ेगा, कहीं बेसमेंट में रख देंगे, बिकॉज यहाँ पे तो भाई बारिश आएगी तो ख़राब हो जाएगा ये। बाकी हम पता तो कर रहे हैं किसने भेजा, क्यों भेजा। वैसे ओरियो के लिए भेजा है, बट ओरियो तो हमारे घर के अंदर ही रहता है, सबके साथ में रहता है। गाइज मिस्ट्री इस चीज़ की है, चलो भेजा, बट प्रॉपर तरह से लेटर में लिखा नहीं क्यों भेजा, किस लिए भेजा, किस तरह से भेजा, कहाँ से भेजा, तो ये लिखा नहीं है प्रॉपर तरह से। इसलिए हमको समझ नहीं आ रहा भाई क्यों भेजा है, कहाँ से आया है। कुनाली तो अब चलते हैं गार्ड अंकल से पूछते हैं जो गाड़ी आई थी वो कैसे आई अंदर। सबसे बड़ी बात ये है, जिन्होंने उतारा भाई उन्होंने बताया भी नहीं कि ये सामान तुम्हारा आया है, हमने उतार दिया यहाँ पे, इसको रख लो। बस उतार के चले गए वो, सबसे मेन बात तो ये है। तो इसलिए हम कंप्लेन करेंगे और पता करेंगे भाई किसने करा, किसने भेजा। अंकल जी कल यहाँ से एक ट्रक गया था लकड़ी का सामान लेके। कुत्ते का घर। हाँ तो वो तो आपके नाम से तो आया था। वो मेरे नाम से आया था, बट उन्होंने बताया नहीं, घर के बाहर रख दिया बस। ऐसी घर के बाहर नहीं, वो नए घर पर लगाना कर रहे थे। बट नए घर पे हमने नहीं मंगाया था, वो है तो डॉग का ही, वो है तो डॉग का ही है। आपको आपको बोल गए थे? हाँ बोल, बल्कि ये होंडा वाले बुबू यही पर खड़े थे मेरे सामने। ये बॉक्स है, गार्ड अंकल ने उनका नंबर लिया था
तो नंबर है मेरे हमारे पास में, तो कॉल करके पूछते हैं। भाई गार्ड अंकल कह रहे हैं कुत्ते का घर आया, कुत्ते का घर आया। उनको लग रहा है हमने मंगवाया था, बट हमारे पास नंबर आ चुका है, जिसने जो भी लेके आया था ना उनका नंबर आ चुका है हमारे पास में, तो अभी कॉल करके पूछूंगा उनसे। चलो अब चलते हैं ओरियो को उसके नए घर पे लेके। मैं भी आऊंगा। कुणाल अब क्या लगता है रहेगा अपने नए घर पे? नहीं अभी इसको पता नहीं, इसको नया घर दिखाने जा रहे हैं इसका। ये देखो भाई, ये जो काम है ना किसी बच्चे का है, है ना ओ आर ई, ये देखो इस तरह से लिखा ना, ये बच्चे का काम है किसी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है ओरियो हाउस, और ये किसी बच्चे का काम है। देखो बच्चे इस तरह से काट के बनाते हैं ना, देखो आजा बड़ी, आजा आ गया आ गया। ओरियो जा चुके घर के अंदर। ओरियो का टीवी, ओरियो कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई यहाँ पे। अब तक जितनी भी चीजें आई है ना हमारे पास, सबसे ज्यादा मिस्ट्री इसी चीज की है भाई, कि इतना बड़ा ओरियो घर भेजा किसने। ये लॉक के लिए गिटार। ये मुझे ओरियो कम कुणाली घर ज्यादा लग रहा है कुणाली। कुणाली आपका घर बना दे इसको, आपका घर बना दे। कॉल आ गया जिन्होंने भेजा है। हेलो हाँ जी भैया कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम केशव है, इस नंबर से मिस कॉल आया था भैया। हाँ वो आपका नंबर हमको गार्ड अंकल ने दिया, आप कल कुछ सामान दे गए थे यहाँ पे सोसाइटी में। हेलो सौरभ क्या? हाँ अच्छा हाँ, वो ओरियो के लिए घर, आपने अपना घर बना दिया ना, ओरियो के लिए घर नहीं बनाया तो इसलिए मैंने बना के भेज दिया। आपने बना के भेजा? हाँ, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं अभी हल्द्वानी से बोल रहा हूँ, पर मेरा घर बिहार में है। अब हल्द्वानी से बोल रहे हो, तो ये आपने क्यों बनवाया मतलब ओरियो के लिए? बस मतलब ओरियो के लिए एक भी घर नहीं था, क्योंकि लास्ट घर जब बना था जब आप फांसी में रहते थे, हाँ, तो मैं उसे और डेकोरेट करना चाहता था, पर भैया टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि वो जो स्लाइड सब लगाए थे ना, हाँ, मैं सोच रहा था साइड में लगेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, और टब एंड ऑल, पर यहाँ पे पता नहीं मार्केट उतनी बड़ी है नहीं। बट आप भेजा, आपने उतारा, बट किसी को बताया क्यों नहीं? मैं चाहता था आपको जाके ऐसा नॉक करूं और बताऊं कि मैं आपके लिए लेके आया हूं, पर सिंस आपने बोला कि ऑब्वियसली कोई प्राइवेसी ऐसा मेरी डिस्टॉर्ट मत करना प्राइवेसी, बट एकदम से घर के बाहर इतना बड़ा कुछ पड़ा रहेगा तो हम तो डर गए थे, हम राम कल रात को बहुत डर गए थे। हम तो डर गए थे लिटरली, ये कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, और हमने कैमरे चेक किए कि भाई उतारा है, बट उन्होंने बोला क्यों नहीं तुम्हारा, अगर आया भी है गिफ्ट भी आया कुछ भी है तो उन्होंने बोला नहीं जी उन्होंने उतारा है कि तुम्हारा ये आया है, ये भेजा है किसी ने, या फिर आप आए थे क्या? हाँ मैं भी आया था। तो मिले क्यों नहीं फिर आए थे तो? तो इसलिए तो आपने मना किया था कि गेट पे ऐसे मत आ जाना मेरे घर के। आप आए, आप मिले नहीं, बट आप ये रखवा दिया आपने। हाँ मैं सोचा आपको ऐसा सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज तो बहुत अच्छा हो गया, हम तो डर गए थे। नहीं मुझे डराना नहीं था सर भैया, मैं बस ओरियो के लिए बना रहा था, मैंने कुछ फोटोज भी बनाई है आपकी, पर वो ओरिजिनल प्रिंट नहीं हो पाई। अच्छा तो, बट वो फोटोज काफी अच्छी हैं। अच्छा तो अभी कहाँ हैं आप? अभी मैं यही हल्द्वानी में ही हूँ। तो अभी आ जाओ, मिल सकते हो तो। अभी अभी आ जाऊँ? हाँ अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल मैं अभी आता हूँ। मतलब उनका कॉल आया था मेरे पे आपके, मतलब तीन चार नंबर से कॉल आया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं कल, वैसे अब ऑब्वियसली झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैंने गार्ड अंकल को भी बताया कि मतलब जो सीक्वेंस में जो चीज था, तो मैंने सबको वही बताया, फिर उसे नंबर भी लिख देता हूँ, क्या पता जरूरत पड़े। बट आप आए, आप मिले क्यों नहीं? मैं तो मैं चाहता था कि आप देखो, फिर ऐसा सरप्राइज हो जाओ कि भाई किसने भेज दिया ये, लाइक नॉर्मल आउट ऑफ द ब्लू कोई ऐसे भेजता नहीं है ना, क्योंकि इतनी बड़ी चीज है। हाँ। तो और ओरियो का सही में बहुत मैं को पसंद but, है, मेरे पास भी डॉग है। बट ओरियो इस तरह से रहता नहीं है, पता नहीं रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको घर में रहना पसंद है ना, उसको पूरे घर में। हाँ, वो तो है। तो देखते हैं, इसलिए मेरे को पता नहीं, अच्छा नहीं लगा कि किसी के भी, क्योंकि मैं भी ऐसा सबको खराब लगता है ना कि आते ही कोई घर पे टपक आए। सिंस मैं आपके घर के सामने से गया था, तो मैं भी मम्मी से बात कर रहा था, मैंने बताया कि उनके मैं घर के सामने से गया था, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता कि ऐसे किसी के सामने पहुंच जाना अंटिल वो बंदा बुलाए मेरे को, तो अच्छा नहीं लगता इसे। ठीक है तो आप अभी आ जाओ। हाँ ठीक है मैं अभी आता हूँ भैया। ठीक है ठीक है।
तो गाइस फाइनली बात हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि हम बिहार से हैं बट यहाँ पे आए हुए हैं, तो हमने जल्दी से टाइम कम था बनवा के भेज दिया ओरियो के लिए, ओरियो के लिए घर नहीं था इसलिए। यूजुअली लोग आते हैं अपने व्लॉग बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, उसी चीज के लिए आते हैं, बट इस तरह से तो भाई पहली बार हुआ कि भाई यहाँ रख के भी चले गए, मिले भी नहीं कि भाई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये तो पहली बार सुना यार मैंने ऐसे कुछ। चलो मिलते हैं, अभी आ रहे वो, पूछूंगा अगर कंफर्टेबल हुए तो वीडियो में भी ले लूंगा उनको मैं। तो फाइनली भाई आ गए हैं, केशव कुणाल। भाई आपने जो किया है ना, मतलब पूरी फैमिली डर गए हम। भाई साहब मैं तो ना मैं तो कांपने लगा थर थर। ये और भाई कह रहे हैं कि डेढ़ महीने से प्लानिंग चल रही है, तो और बिहार से हैं स्पेशली ओरियो घर बनवाने के लिए। आई होप ओरियो को ये पसंद आया होगा क्योंकि बड़ी मेहनत लगी इसे बनाने में। ओरियो को नहीं, कुणाली को पसंद आया है, कुणाली खेल रहा है उसमें। हाँ उसमें टॉयज क्यों डाले हम, वैसे डर के टॉयज देख के। अच्छा मैं चाहता था उसमें मिनी किचन बनाऊंगा जिसे मतलब अभी इसे पसंद आएगा मेनली, क्योंकि पीयूष तो अब नहीं खेलेगा टॉयज से। गाइस ये देखो इन्होंने यहाँ से देख के बनवाया था, ऐसे ही बनवाया है बट वो येलो और ब्लू कलर का है, ये देखो ऐसा। हमारे साथ में फर्स्ट टाइम में ऐसा कुछ हुआ है भाई, नेक्स्ट टाइम आओगे तो अच्छे से मिलना दिन में, ठीक है? मैं नेक्स्ट टाइम भी हल्द्वानी आऊंगा तो सारू जोशी से मिलूंगा। चलो ठीक है, ओके ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, कुछ जरूर तो बताना। चलो भाई फाइनली सारा मैटर सॉल्व हो चुका है, जैसे कि आपने देखा सब्सक्राइबर ने ओरियो के लिए बनवा के भेजा था, उनसे मिल भी लिए। तो चलो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अबे नए घर के ऊपर काम कर दिया इसने, बदमाश। That's why.